सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 17 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य की गवर्नर है। फिर है किस बैंक ने एटीएम कैशलेस निकासी सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। इसमें इसके थ्रू आप 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक निकाल सकते हो एक दिन में। फिर है वर्ष 2020 के लिए G77 ग्रुप की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो गुयाना को मिली है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, जिसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। चलो बताओ G77 का ग्रुप आपका ग्रुप का जो पार्ट है वो इंडिया है या नहीं है? तो आंसर होगा यस है। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आईटी गवर्नर्स कम्युनिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी विजय कुमार को। अभी आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में। अच्छा देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से हमेशा 3 पॉइंट याद रखना। इसकी स्थापना 1971 में, इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख क्लॉस स्वेब है। फिर है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कटरीना सकेला रोपोलू बनी है। एथेंस इसकी कैपिटल है ग्रीस की। फिर है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 80 नंबर पर रहा भारत और टॉप पे डेनमार्क था। ये सूचकांक इंडेक्स जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 72 नंबर पर रहा भारत और इसमें टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फिर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अभी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर ऊपर जो उसकी कमर है उससे ऊपर ऊपर का हिस्सा था, पैर वाला हिस्सा नहीं था, इसलिए इसको हाफ बोला जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? व्योमित्र। क्या नाम है? व्योमित्र। और एक्चुअली इसको बनाया था जो आपका गगनयान मिशन है ना, गगनयान मिशन आपको पता होगा दिसंबर 2021 तक तीन इंसानों को हमें अंतरिक्ष में भेजना है। तो उस गगनयान मिशन में इंसानों के पहले इस रोबोट को भेजा जाएगा। फिर है इंडिया यूथ गेम्स का, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी तीसरा संस्करण हुआ था, उसमें टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा था 256 मेडल के साथ। गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज की बात करेंगे तो 78 तो गोल्ड थे, 77 आपके सिल्वर और 101 ब्रोंज थे। 78-77-101 रेशो याद रख लो। और याद रखना अभी इसमें दो नए गेम्स को और जोड़ा गया था, साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को। हुए कहाँ पे थे ये? असम के गुवाहाटी में, अभी जनवरी में हुए थे ये। अच्छा मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी आपको पता है 22 फरवरी को शुरू होंगे, 1 मार्च तक चलेंगे, कहाँ पे होंगे ये, पहला संस्करण होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होंगे जिसे आप कहते हो स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में होंगे, तो ये आप याद रखना। फिर है भारत ने किस देश में अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो नाइजर में। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल नियामी है, नियामी। बढ़ते आगे। फिर है इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा टोक्यो रहा था और इसमें भारत का मुंबई 45 नंबर पे रहा था और नई दिल्ली 52 पे। फिर है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा रवि रंजन को। याद रखना झारखंड के तो बने थे रवि रंजन और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बने थे रविशंकर झा, ठीक है। और अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, 47 नंबर के बने अभी। फिर है किस टाइगर रिजर्व को एक विशेष टाइगर फोर्स बनाने का फैसला किया गया? तो आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये भारत का आप कह सकते हो पहला टाइगर नेशनल पार्क भी है और ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क भी है और इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। चलो आप मुझे बताओ ये कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है ये किस स्टेट में पड़ता है? फिर है सरकार ने पूरे भारत में कितने आयुष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 12,500। आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद यसो नायक हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। फिर है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अच्छा ध्यान से सुनना, अभी ये प्रधानमंत्री बने थे लास्ट टाइम नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास, लेकिन अभी जनवरी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको अपडेट कर लेना। इस्तीफा दे चुके हैं, नाम इनका क्या है? ओलेक्सी होंचेरुक। लेकिन अगर इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, ये भी 2019 में बने थे। करेंसीज की क्या है? रेवेनिया और कैपिटल है कीव। फिर है इंडिगो एयरलाइंस के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने?
तो आदित्य पांडे बने। अच्छा अभी याद रखना, एयर इंडिया के CMD बने थे कौन? राजीव बंसल। उसी तरह से स्पाइस जेट के CCO चीफ कमर्शियल ऑफिसर बनी थी शिल्पा भाटिया, और गो एयर के CEO बने विनय दुबे। ये भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है सारे नए। फिर है मेगा वेंडर मीट 2019, ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में हुई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया था, आयोजन किया था रेलवे के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर है किस मंत्रालय ने अंगीकार अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। और फिर है किसने स्टार्टअप सेल का गठन किया? तो आंसर होगा CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके हेड कौन है? PC मोदी है, प्रमोद चंद मोदी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवाशीष पांडे को। और वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है, यानी कि फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर। फिर है 2020 में एशिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारतीय एयरटेल दूसरे नंबर पे है, एशिया का दूसरा सबसे मूल्यवान यानी कि ब्रांड वैल्यू में, और फर्स्ट नंबर पे है चीनी ऑपरेटर चाइना मोबाइल। फिर है गो एयर के नए प्रमुख कौन बने? तो विनय दुबे बने हैं। इसके अलावा भी एयर इंडिया के CMD बने थे राजीव बंसल, उनका नाम भी याद रखना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये हमने मनाया 15 फरवरी को, और इसी से मिलते जुलते दो और इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताए थे। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी में ही होता है 4 फरवरी को, और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम मनाते हैं 7 नवंबर को। फिर है किसे 2019 के FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो आंसर होगा इवा डी गोदे, ये न्यूजीलैंड की वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। और याद रखना, अभी अगर बात करेंगे मेन्स FIH प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो मनप्रीत सिंह को चुना गया है, और पहले भारतीय बने हैं वो इस तरह का सम्मान पाने वाले। फिर है किस देश ने भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और अभी याद रखना 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, वो 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे भारत आने वाले। और मैंने आपको बताया था अभी 13 फरवरी को पुर्तगाल के प्रेसिडेंट भी भारत आए थे, क्या नाम है उनका? मार्सेलो रेबेला डी सोसा। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहे? तो आंसर होगा अमित पंगाल, बॉक्सर है ये। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से याद रखना हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रमुख कौन है? थॉमस बक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी जो फुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन कोच है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था, और ये अवार्ड पाने वाले पहले कोच बने थे। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा, ये अभी अप्रैल में होगा। किन दो शहरों के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? तो मुंबई और पुणे के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो, अच्छा मैंने आंसर कर दिया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन आपकी शुरू हो चुकी है तेजस एक्सप्रेस, पहली दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है, और तीसरी भी अब शुरू होगी कहाँ कहाँ? वाराणसी और इंदौर के बीच में। फिर है NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा जी नारायणन बने हैं। तेरी यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष, इनका भी निधन हो गया, क्या नाम था इनका? नाम इंपॉर्टेंट है इनका, राजेंद्र कुमार पचौरी नाम है, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनको, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, तो नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। तेरी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय माथुर। फिर है किस राज्य में अंग फाउ हुनबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो मणिपुर में। तो ये महोत्सव होता है धान की फसल के वक्त ये मनाया जाता है। वैसे मणिपुर से दो इम्पोर्टेंट फेस्ट बताए थे, जैसे कि चिरुई लिली और शंघाई महोत्सव, ये भी यहाँ पे मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? ये हमारा कोलकाता में है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, ऑब्वियसली बात है भुवनेश्वर में होगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका वाराणसी में है, और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका केरल में है, केरल तिरुवनंतपुरम में। और ये चारों जो एयरपोर्ट मैंने आपको बताए हैं ये भी करंट अफेयर्स में थे, तो मैंने करंट अफेयर्स से ये निकाल करके आपको स्टैटिक में डाल के बताए हैं। क्यों थे अभी करंट अफेयर्स में? क्योंकि जनवरी में इन चारों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज में थे, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो क्रेग जी के ट्रिक्स एप्लीकेशन पे आप लोग करंट अफेयर्स का क्विज लगाते हैं, वहाँ पे अब जैसा कि आप लोगों ने कहा था स्टैटिक
पोर्शन पे भी क्विज लेकर के आइए। तो डैम्स वगैरह पे, नेशनल पार्क्स पे और एकाध चीज़ों पे और क्विज धीरे धीरे डल गई है, बाकी एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी एक आध दिन में एक आध टेस्ट में अपलोड करवा दूंगा, धीरे धीरे फिर अपलोड होते रहेंगे। डेली एक टेस्ट आपका किसी न किसी टॉपिक पे अपलोड होता रहता है, तो आप लोग चेक करके उसे लगा लिया करिए। और ऐसा नहीं है जो टेस्ट आप दे चुके हैं उसको फिर से नहीं लगाना, उसको फिर से लगाइए, तभी तो आपका रिवीजन होगा। एक बार टेस्ट लगाने से रिवीजन नहीं होगा, उससे तो ये पता लगेगा कि कौन कौन सा आपको याद है और कौन कौन सा नहीं है। आप उसको बार बार टेस्ट लगाओ और रिवीजन करते रहो। फिर है फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और फिर है लाई हराओबा त्योहार, ये आपका त्रिपुरा का है। बुकशॉप पक्षी महोत्सव, ये आपका पश्चिम बंगाल में, भाई बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका है कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में ही तो है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुजरात में होता है ये। और धनु यात्रा महोत्सव, और ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, अभी दिसंबर में मनाया गया था। और दिसंबर में जो भी आपके पूरे महीने में जिस भी राज्य में जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुए थे, उनका भी एक सेपरेट मैंने क्विज बना दिया है, ताकि वो एक ही जगह पे एक साथ आपको मिल जाए। उसी तरह से अपॉइंटमेंट्स वाला भी बना दिया है, और एक आध टॉपिक पे भी मैंने टॉपिक वाइज मतलब मैंने क्विज बना दिया है। तो दिसंबर का बन गया है, कुछ टॉपिक्स जनवरी के भी कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आप लगा लेना। फिर है तंजानिया की कैपिटल क्या है, तो डोडोमा है। और याद रखना अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट किलिमंजारो, वो यहीं पर है। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है नेशनल डॉक्टर्स डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये हमने 6 जुलाई को मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जिसकी थीम क्या रही, कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया, और वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये हमने 15 जुलाई को मनाया, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे हमने 20 जुलाई को मनाया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हमने 28 जुलाई को मनाया, जिसकी थीम क्या रही, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, मेजबान देश था इसमें पाकिस्तान। फिर है विश्व बाघ दिवस, ये हमने 29 जुलाई को मनाया, एक विश्व शेर दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 10 अगस्त को। फिर है एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 27 जून को मनाया। एमएसएमई मंत्री हैं इस बार हमारे नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। फिर है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को मनाया। थीम है इसकी रेफ्यूजीज टेक स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड मिल्क डे की बात करेंगे, 1 जून को मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही, टुडे एंड एवरी डे। एक नेशनल मिल्क डे भी होता है, लेकिन वो हम मनाते हैं कब, 26 नवंबर को। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, इसी दिन को मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। सफेद क्रांति के जनक उन्हें कहा जाता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। और अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोगों से राइट बन पाते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 30 पुराने महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, 10 स्टैटिक वाले होंगे और 10 ही डेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बाकी इनको कल हम सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।